उठी खुए धन को चरिता वो बटे बटे बटी रख सेरा वो सब गदी मेरा वो मारदा बटे बटे बटी रख सेरा उठी खुए धन को चरिता
ताना मेरी धूप नहीं है।
पंजाबी हार्ट बीट साउंड बनीखेत की ओर से पंजाबी भंगड़ा लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत रहना चाहिए। जब तक आपकी तालियां और सीटियां नहीं आएंगी मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। एक बार तालियां और सीटियां बजा दीजिए पंजाबी भंगड़ा के लिए।
Yeah.
क्या बात है जी, मजा आया सबको। अरे सीटियां तो आई नहीं आपकी। तो ये थे हमारे बीच में पंजाबी भांगड़ा लेकर पंजाब से आए हुए कलाकार। और तैयार हो जाइए अब, आप सभी थिरकेंगे। और आपको कह दूं कि जिस तरह से जीजा को साली पसंद है, जिस तरह से जीजा को साली पसंद है, उसी तरह से कार्यक्रम में ताली पसंद है। तो आपके बीच में अब आवाज देने जा रहा हूं ऐसे कलाकार को जो पंजाब से आया हुआ है और बहुत से पंजाबी एल्बम्स इनके मार्केट में है, सूफी हिंदी और पंजाबी, बहुत ही मधुर आवाज के मालिक। आप सबके बीच में आवाज देने जा रहा हूं अर्जुन गोपाल। क्योंकि कहते ने जी कातर कातर जोड़ जोड़ के कुर्ता सीवे दर्जी पावे या ना पावे सोने की मर्जी। सारे इधर आए, एक शेर अर्ज कर रहे हैं कि माता रानी का जो आशीर्वाद होया मैं भी इधर आया, कि अपने दर पे किसी को बुलाना ये भी शामिल है माँ तेरी रजा में। अपने दर पे किसी को बुलाना ये भी शामिल है माँ तेरी रजा में। तेरा जलवा मुयसर किसी को और किसी को मुयसर नहीं है, यूं तो दर है जमाने में लाखों पर तेरे दर्शन एक नहीं। एक बार जोरदार ताड़ियां, तुसी इस पाक पवित्र भूमि के विच रहंदे हो, एक बार जोरदार ताड़ियां माता रानी दे नाल। ते मैं छोटी जी हाजरी माता रानी दे चरणां विच रखदा हां। हाँ जी शुरू करते हैं जी, इजाजत है ताड़ी मार के दो। लेकिन उसके लिए दोनों हाथ एक बार माता रानी के लिए एक बार खड़े कर दीजिए इस तरह से, रेडी 1 2 3 4।
दर्शन जब मैंने किए तो मुझे बहुत मेरी आंखों में आंसू आ गया। सच्ची बात कह रहा हूँ, आंखों पे आंसू झलक रहे हैं, आंखों पे आंसू झलक रहे हैं, माँ के चरणों में ये तड़प रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों का इरादा लेकर के सबका मालिक जो मानते हैं सबको वो अपने अपने गुरु से लेके आगे का वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु Thank you.
और मेरे दे मेरे आजो पते दी गल सुनाइए ओ जे कर खुश रहना बस कोई ब्याह करवाइए जे कर खुश रहना सामने हैं और श्री अमरचंद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजकुमार जी राकेश जी मान सिंह जी आपकी वजह से ये महफिल यहाँ पर सजी है और आप सबको बता दूं कि संगीत के पुजारी हैं हम आज यहाँ तो कल वहाँ भटकते हुए परवाज हैं हम लेकिन आज पूरे संजीवी फनकारों के साथ आप सबके मनोरंजन के लिए तैयार हैं हम आप ही तैयार हैं धमाल मचाने के लिए तो एकदम तैयार रहिए क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में बहुत बड़ा नाम है और साथ में इंडियन आइडल फॉर्म में जिन्हें हम देख चुके हैं सुन चुके हैं और अभी इनकी एल्बम्स आने वाली है मैं अगर और दो दिन एक बहुत ही खूबसूरत से गायिका और दोस्तों रूठे रूठे से लगते हो तरकीब बताओ मनाने की मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा तुम बचे बताओ मुस्कुराने की मुस्कुराइए और आपके बीच में आवाज दे रहा हूँ बहुत ही मधुर आवाज के मालिक
निधि रस्तोगे। Oh, 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 oh
Thank you.
जो तपुरे इस किया, ताई हो बाजी,
और सम्मानित किया जाए तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कैप्टन श्री डीएस ढिल्लो जी प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल ढिल्लो से और इनके साथ श्री धर्म सिंह पठानिया जी जिला परिषद चेयरमैन। मेरा निवेदन रहेगा कमल ठाकुर जी से कि अतिथियों को मंच की ओर लेकर सभी की तालियां जोरदार रहनी चाहिए। साथ में श्री मेहता जी मध्य कमेटी के चेयरमैन श्री कमल ठाकुर जी आज के हमारे जो अतिथि हैं उन्हें मंच की ओर लेकर आ रहे हैं और सम्मानित करते हुए माता भद्रकाली देवी वाली माता का स्थान और आप सबकी जोरदार तालियां रहनी चाहिए। श्री डीएस ढिल्लो जी इन्हें शॉल और थाने का सम्मानित करते हुए और इसके साथ ही हमारे बीच में श्री धर्म सिंह पठानिया जी जिला परिषद चेयरमैन इन्हें भी शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए श्री कमल ठाकुर जी और साथ में हाल देकर इन्हें सम्मानित करते हुए साथ में मेहता जी अनिल मेहता जी को भी सम्मानित
करते हुए चेयरमैन जी श्री कमल ठाकुर जी, साथ में हमारे बीच में आर के राय जी भी यहां पर हैं, तो चेयरमैन सर इन्हें भी, और आप सबको बता दूं अभी कार्यक्रम चला हुआ है, इसके पश्चात सिंगर आपके बीच में आएंगे, आप सबके मध्य में अपनी प्रस्तुतियां रखेंगे। आर के राय जी इन्हें भी समृद्धियां जो है वो रह जानी चाहिए, समृद्धि रह जानी चाहिए सबके दिलों में, और आप सभी विराजमान रहे क्योंकि कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। नीरज जी एक और निर्माण व्यक्ति हमारे बीच में, श्री नीरज जी, नीरज जी को भी सम्मानित करते हुए, नीरज जी 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 और साथ में हमारे बीच में अभी चेयरमैन जी कमल ठाकुर जी, कैप्टन ढिल्लो जी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनके बधाई जी का यहाँ से स्वागत करता हूँ। कैप्टन ढिल्लो शोभा यात्रा के हमारे मुख्य अतिथि थे, आज शाम को मैडम आशा कुमारी ने यहाँ पे आना था, उनको भी कारणवासियों को दिल्ली जाना पड़ा, तो मैं पठानिया जी को यहाँ पे जो हमारे अध्यक्ष हैं जिला परिषद के, उनको यहाँ पे भेजा है। मैं कैप्टन ढिल्लो का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, वहाँ की कृपा उनके ऊपर, उनके ETS जो परिवार है उनके ऊपर सदा बनी रहे, इन्होंने यहाँ विकास की, शिक्षा के विकास में उनका बहाई किया है। मैं वहाँ से प्रार्थना करूँगा आगे भी उनके परिवार को मुक्ति मिले। इसी प्रकार हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष धर्मसिंह पठानिया जी यहाँ पर आए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, मेहता जी का, राय साहब का, नीरज जी का, आप सभी लोगों का जिन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर देखा। आज पूर्णिया हमें मेन यहाँ खत्म हुई, इसका हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है, कुल मेला बोलिए और कार्यक्रम आप देखते जाइए। धन्यवाद सर। यहाँ हमारे बीच कैप्टन ढिल्लो साहब, भ्रेज माता कमेटी के प्रबंधक चेयरमैन श्री कमल ठाकुर जी, मेहता साहब, रॉय साहब और मेरे साथ आए नीरज शर्मा जी, हमारे कमेटी के वरिष्ठ पद अधिकारी अमरचंद शर्मा जी, राजकुमार ठाकुर जी, अमित शर्मा जी यहाँ मेरे साथ हमेशा बैठे हुए हैं, प्रेस व दूसरे कमेटी के सभी सदस्यों को मैं इस जो आपका ये छिन्न मेला आयोजित हुआ इसका अच्छा प्रबंधन किया, अच्छी व्यवस्था की और भदई माता का आशीर्वाद सब पे बना रहा, भविष्य में भी इस तरह से बढ़ता रहेगा। विशेष तौर पर मैं कैप्टन ढिल्लो साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मेले की सेवा बढ़ाने के लिए यहाँ आए, इसके साथ मेहता साहब का रॉय साहब का इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था इसमें हमारे लोकप्रिय नेता मान की श्रीमती आशा कुमारी जी ने आना था, पर आज उनको विशेष तौर पर वापस दिल्ली जाना पड़ा। आज महामाई की उनके परिवार पर अपार कृपा रही कि आज उनकी माता को जो राजमाता है उनको वेदांता हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हुए, वो उनको भी वापस वो आज
घर ले गए। इसके साथ उनकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उनकी बहुत बड़ी एक मीटिंग थी, इसके लिए उनको अमृतसर से वापस जाना पड़ा। इसके बावजूद भी उनका जो गणेश माता पे जो अटूट विश्वास है माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी का, वो आप सब लोग जानते हैं। माता का आशीर्वाद हमेशा श्रीमती आशा कुमारी और हम सब पर बना रहता है, बना रहेगा। श्रीमती आशा कुमारी जी ने अपनी ओर से उनकी ये जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी के मंदिर का और यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं उसके रख रखाव के लिए धन की भी व्यवस्था होती है, इसके लिए हमें सबको आगे आना चाहिए, उसमें पूरा हमें सहयोग करना चाहिए, जितना भी हम कर सके उतना तो हमें। पर श्रीमती आशा कुमारी जी ने इस बार अपनी जो उनकी निधि है उससे इस गणेश माता के रख रखाव के लिए जैसे कमेटी जाएगी उसके लिए उन्हें 6 लाख रुपये की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से श्रीमती आशा कुमारी जी का धन्यवाद करता हूँ और विशेष तौर पर मैं कमेटी के प्रबंधक चेयरमैन कमल भागवत जी का धन्यवाद करता हूँ, इनकी पूरी टीम का, अमरचंद जी का, राजकुमार जी का, इनके और जितने भी टीम के साथ हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो बड़े अच्छे ढंग से मंदिर का रख रखाव करते हैं, जो भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से करते हैं, इसके लिए बधाई के पात्र है। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर माता का आशीर्वाद सदा इसी तरह बना रहे और इसी तरह के रौनक मेले यहाँ माता के प्रांगण में होते रहे। मैं पुनः डॉक्टर ढिल्लों साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और इसी तरह भविष्य में भी उनका सहयोग आता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत ही प्यारी आवाज, मधुर आवाज निधि रस्तागी जी।
पुलिस चौकी प्रभारी जैसे निवेदन रहेगा कि कृपया वो भी मंच पर आए और श्री कमल ठाकुर जी से निवेदन रहेगा कि इन्हें भी सम्मानित करें। श्री कमल ठाकुर जी चेयरमैन मंदिर कमेटी पुलिस चौकी प्रभारी, क्योंकि पुलिस के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस मेले में। पुलिस चौकी प्रभारी जवान जो है हमारे, इनकी वजह से हम कार्यक्रम बहुत अच्छे से देख पाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या बात है, आपका जोश देखकर बहुत आनंद आता है। पुलिस चौकी प्रभारी जी को सम्मानित किया गया। हेड कांस्टेबल योगेश जी, मेरा निवेदन रहेगा ये भी मंच पर आए, और साथ में श्री संजीव जी, ऐसा श्री संजीव जी से भी निवेदन रहेगा कि कृपया ये भी मंच पर आए। भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें, श्री संजीव जी और योगेश जी, इन्हें भी चेयरमैन सर संजीव जी को, योगेश जी को सम्मानित करते हुए श्री कमल ठाकुर जी और साथ में श्री संजीव जी। तभी हम चैन से इस तरह के मेले का लुत्फ ले पाते हैं। तो आपके यहाँ के स्थानीय आर्मी के हमारे आए हुए जवान ठाकुर संजीव जी याद जा रहे हैं, तो आपकी तालियां तो बनती है। जिन्होंने इतने बड़े कलाकारों के बीच में मुझे मौका दिया, एक बार जोर से माँ भद्रकाली का जयकारा लगाइए। बोलो भद्रकाली माता की, भारत माता की। तेरे माते जो बिंद Hey.
सेकंड का टाइम होगा, एक छोटा सा दो शब्द इस देश के नाम पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। धन्यवाद।